Hello friends, welcome to Aisha's Blogs. Please like this video and subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. आज मेरे घर में जलेबी खाने की डिमांड है, इसलिए आज मैं बना रही हूँ जलेबी। तो इसलिए मुझे जो जो चाहिए वो है मैदा, दही, कॉर्नफ्लावर। अब मैं एक बाउल ले ली, इसमें डाल रही हूँ मैदा, कॉर्नफ्लावर, अब डाल रही हूँ दही। डाल के अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। ऐसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह इस बैटर को मिक्स करना है, कोई लम्स ना रह जाए, इसलिए बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मेरी बैटर तैयार हो गई है। अब मैं इसको कुछ देर के लिए रेस्ट में रखूंगी। अब मैं एक पैन में एक कटोरी चीनी ले लूंगी। चीनी के साथ मैं पानी मिक्स करके चाशनी बना लूंगी। आप चाशनी के अंदर कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास मेरे घर में कलर नहीं है, इसलिए मैं कोई कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब मैं दे दूँगी दो इलायची और थोड़ी बहुत लेमन जूस। देखिए अच्छी तरह इसको बॉयल कर लूँगी। मेरी चाशनी बॉयल होके तैयार हो गई है। तेल गरम हो चुकी है, तेल को बहुत अच्छी तरह गरम करना है। अब मैं मेरी जो बैटर थी उसको मैं केचप की बोतल में ले ली। अब मैं जलेबी की शेप दे रही हूँ ऐसे करके, शेप देके फुल आँच में इसको बनाना है, फिर थोड़ी आँच धीमी करना है। मैं अच्छी शेप की जलेबी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को जलेबी की शेप कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। एक साइड हल्की सी ब्राउन हो गई है, अब मैं दूसरी साइड पलट रही हूँ। ऐसे करके सब पलट के धीमी आंच में पकाना है, ऐसे ब्राउन कलर करके। जलेबी फ्राई हो चुकी है, अब मैं जलेबी को चाशनी के अंदर डुबो दूंगी। डुबो के 2 से 3 मिनट तक रखूंगी। जलेबी को गर्मा गर्म चाशनी में अच्छी तरह डुबोए, ताकि जलेबी अच्छी तरह चाशनी को सोख ले। मेरी जलेबी एकदम क्रिस्पी बन गई है। अब मैं जलेबी को एक सर्विंग डिश में सर्व करूंगी। बस तैयार हो गई मेरी मजेदार गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबी। इसके अंदर मैं एक टेस्ट भी कर ली, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनी है। आप लोग घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों की जलेबी कैसी बनी। Thanks for watching and don't forget to share my videos.